Okay, let's solve question number 16. The mass of moon is 1/8 of earth. Mass of moon is 1/8 of earth. And gravitational pull is 1/6 of earth. Gravitational pull means acceleration due to gravity on moon is 1/6 of earth. It is due to the fact that तो आपको पूछा है ये ऐसा क्यों है बिकॉज मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ दिस इज नॉट अ सेंसिबल रीजन बेसिकली द रेडियस ऑफ अर्थ इज 8/6 ऑफ मून मतलब ये तो समझ में नहीं आया कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से द रेडियस ऑफ अर्थ इज √8/6 ओके सो दे आर ट्राइंग टू टेल यू दे आर ट्राइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ मून एंड अर्थ सो इट इज वेरी सिंपल व्हाई बिकॉज वी नो जी इज जी एम बाई आर स्क्वायर मतलब जी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर राइट मतलब आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई जी तो अभी आपको सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ और मून का आपको रिलेशन चाहिए तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून इज मास इज विल बी प्रोपोर्शनल टू ये स्क्वायर है याद रखना ये स्क्वायर है अगर आपको स्क्वायर के साथ प्रॉब्लम होता है तो पहले ही आप स्क्वायर रूट ले लो तो आंसर स्क्वायर रूट में आएगा डेफिनेटली हमको समझ में आ गया आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास बाई जी तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून is equal to under root of mass of earth upon g of earth mass of moon upon g of moon so you will be getting this to be r earth upon r moon to be equal to under root of m earth upon m moon into g moon upon g or just simply simplification se kuch nahi hai aur mass of earth to the moon is root is 8 yahan se aaya gm by ge is 1/6 to 8/6 under root of 8/6 option number c to bahut hi simple question tha there was nothing in this extremely simple question let's go for next question now mass m is divided into two parts xm and 1 minus xm for a given separation the value of x for which gravitational attraction between two pieces becomes maximum so bahut interesting question hai and I will tell you also a trick of solving it mass m is divided into two equal parts aapne mass m ko do equal part mein divide kar diya let us say m1 is xm and m2 is 1 minus x times of m For a given separation, the value of x for which gravitational attraction between the two pieces becomes maximum is. तो maximum कब होगा ये पूछा है आपको. दोनों pieces में gravitational force maximum कब होगा? आपको तो पहले बताना चाहिए कि gravitational force F is g m1 m2 by r square. G m1 m2 by r square. G m1 हमारे पास है x m और m2 हमारे पास है 1 minus x m. अपॉन आर स्क्वायर तो ये मुझे मिल जाएगा जी एक्स वन माइनस एक्स एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर आपको पता होगा डेरिवेटिव्स तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कब होती है जब फोर्स का डेरिवेटिव जीरो होता है राइट सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस शुड बी जीरो ओके सो For maximum value of force, df by dx should be zero. ये पता होना चाहिए आपको, right? ये mathematics से आता है. Derivative zero कब होता है? जब एक quantity की जो value होती है वो constant हो जाती है. तो हम लोग जब यहाँ पे बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव जब लोगे तो जीरो हो जाएगा अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो और आगे जाके आप ग्राफिकल भी बोल सकते हो कि ये फोर्स है ये एक्स है राइट तो फोर्स और एक्स में रिलेशन सपोज ऐसा है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्राफ ऑफ फोर्स एंड एक्स ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे आप स्लोप लोगे राइट तो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे और यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लोगे डेरिवेटिव मतलब स्लोप तो जब आप डी एफ बाई डी एक्स करोगे तो ये जीरो आएगा
तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे हमेशा डी एफ बाई डी एक्स जो होता है वो जीरो होता है, पता होना चाहिए आपको। द डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स शुड बी जीरो, करके देखो वो डेरिवेटिव मतलब स्लोप, स्लोप जीरो ही आता है यहाँ पे। फॉर अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज जीरो, ये पता होना चाहिए आपको। सो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फोर्स हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे जी एक्स वन माइनस एक्स एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जी कॉन्स्टेंट, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, पहले आप समझ लो अच्छे से। एक सिंपल सा ट्रिक लेंगे हम लोग, तो ये जो जी एम बाय आर स्क्वायर है वो वहां शिफ्ट करके जीरो हो जाएगा वो, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वन इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज जीरो। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, और टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स, तो आपको मिल गया वन इक्वल टू टू एक्स, तो आपको एक्स मिल गया हाफ, एक्स वैल्यू हाफ, राइट। तो हाफ इज योर आंसर, करेक्ट, इजी इजी। अब मैं इससे सिंपल बना सकता हूं इसको, पहले तो हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक मास था m, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक्स एम और वन माइनस एक्स इंटू एम फॉर अ गिवन सेपरेशन। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पीसेस बिकम्स मैक्सिमम इज, x के कौन सी वैल्यू के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा दो टुकड़ों में, आपने एक मास के दो टुकड़े कर दिए, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको बताना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी जीरो। फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते गए एंड x वैल्यू हाफ मिली, और उससे पहले मास वन था एक्स एम और मास टू था वन माइनस एक्स इंटू एम, उनको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो हम करते गए सॉल्व मिल गया। बट लॉजिकली अगर मैं बताऊं आपको, अगर हमारे पास कैपिटल एम 10 केजी है, जस्ट 10 केजी ऐसे ले लिया, आप 100 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अब मैं टुकड़े करते जा रहा हूं और मुझे पता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एम वन इंटू एम टू, और फॉर अ गिवन सेपरेशन बोला है, मतलब रेडियस दोनों में डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट रख दिया हम लोगों ने। फॉर अ गिवन सेपरेशन का मतलब क्या, ये आर भी कॉन्स्टेंट है, अगर R कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू M1 इनटू M2, बराबर। तो फोर्स मैक्सिमम कब, जब M1 और M2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम कब, जब M1 और M2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम, बराबर। मैं अभी ऐसा करता हूँ, इस 10 किलोग्राम को टुकड़े कैसे करता हूँ, ये 1 ये 9 टोटल 10 हो गया, ये 2 ये 8 टोटल 10 हो गया, ये 3 ये 7 ये भी टोटल 10 हो गया, 4, 6, 5, 5, 4, 3, 4, 6, 3, 7 ऐसा करते गए, प्रोडक्ट देखते गए, 9 into 1 is 9, 2 into 8 is 16, 21, 24, 25, वापस 24, 21, तो 25 मैक्सिमम आया, राइट। मैक्सिमम कब आया, जब आपने 10 किलोग्राम को बराबर दो इक्वल पार्ट्स में, 5 और 5 किलोग्राम में डिवाइड किया था, राइट। तो इतना मैथमेटिक्स सॉल्व करने की जगह पे डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, फिर पहले एफ निकालो, फिर डी एफ बाई डी एक्स जीरो लिखो, फिर उसको सॉल्व करो और बोलो हाफ। तो लॉजिकली हमको क्या पता है कि फोर्स जो होता है, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज बेसिकली बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, एम वन इंटू एम टू। तो जब मैं एक मास के दो टुकड़े इक्वल पीसेस कर दूंगा, तभी जाके मुझे मैक्सिमम फोर्स मिलने वाला है। तो यह तो सिंपल हो गया, तो मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर ए। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी हम लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली अबोव द अर्थ सरफेस एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। हाइट ऑफ अ पॉइंट वर्टिकली अबोव द अर्थ सर्फेस, मतलब एच निकालना है जहां पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट बिकम्स 1% ऑफ सर्फेस वैल्यू। तो कल ही हमने देखा था लास्ट सेशन में
मतलब जी एच बाय जी एस ये आपको 1/100 दिया हुआ है, और आपको पता है जी एस मतलब सरफेस वैल्यू, और आपको पता है कि ये आप जी एच बाय जी एस लिखते हो आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर लिखते हो आप, करेक्ट। तो आपको यहाँ से मिल गया आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर एस 100, तो स्क्वायर रूट लोगे तो आर अपॉन आर प्लस एच इज 1/10। स्क्वायर रूट लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, 10R इक्वल टू आर प्लस एच, तो एच इज इक्वल टू 9R। सॉल्व करने के बाद आपको मिल गया एच का वैल्यू 9R, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था, बहुत ही सिंपल है। जी एच इज इक्वल टू 1% ऑफ जी एस, राइट। सिंपल, जस्ट अ मिनट इज समवन, राइट। तो इजी क्वेश्चन था, नथिंग। 19th एक टाइप हमने ऑलरेडी लिया है ये, इफ द डिस्टेंस बिटवीन centers of earth and moon is d, the mass of earth is 81 times the mass of moon, then what at what distance the force will be zero. ye humne liya hua hai question, if I am not wrong it turns out to be 9d something, 9d/10 aisa answer aaya tha. ye tha aapka pehla hi question is set ka, so it is same as question 1, right? to humko karna nahi repeat. So same as question number 1. Next question, weight of a body of mass m decreases by 1%. Weight decreases by 1% से मतलब g decrease हुआ, क्यों? क्योंकि weight क्या होता है, mg, right? Weight decrease होना मतलब g, mass तो decrease नहीं होता. So weight of the body decreases by 1% basically when it is raised to a height h above the earth surface. आप उस बॉडी को हाइट h पे ले जा रहे हो, अर्थ के सरफेस से अबो ले जा रहे हो, राइट? तो वेट हो गया 1% से कम. इफ द बॉडी इज टेकन टू अ डेप्थ h, अभी आप पहले हाइट पे ले जा रहे थे, अभी आप डेप्थ में ले जा रहे हो, तो वेट कितना चेंज होगा? मतलब सेम, जितना डिस्टेंस आप हाइट पे ले गए उतना डिस्टेंस आप डेप्थ पे ले गए, तो वेट कितना चेंज होगा, ऐसा क्वेश्चन है, राइट? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्यों? क्योंकि हमको पता है, व्हाट वी नो इज जी एच बाय जी एस इज आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, राइट? गुड, तो ये हमको पता है. अब अगर हम लोग एरर एनालिसिस का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, एरर एनालिसिस 11 से, तो चेंज परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन जी इज नथिंग बट 2h बाय आर इनटू 100. ये पता होना चाहिए, दिस इज फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज इन जी. व्हेन यू आर टेकिंग द ऑब्जेक्ट अबोव द अर्थ सरफेस, दिस इज परसेंटेज चेंज इन जी, राइट? गुड, सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल है. ये आपको दिया है 1%. सिमिलरली मैं पूरा लिख देता हूँ. ओके, लेट मी रिमूव दिस एंड आई विल राइट मोर फॉर यू बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू नो. परसेंटेज चेंज इन जी व्हेन द बॉडी इज रेस्ड टू हाइट एच, जब आप बॉडी को अर्थ के सरफेस के ऊपर ले जा रहे हो, तब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आता है ये 2h by r मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब ये आता है 1% दिया हुआ है हमको. सिमिलरली जब आप बॉडी को डेप्थ में ले जाओगे, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला चेंज होगा, इट विल बी समथिंग डिफरेंट. परसेंटेज चेंज इन जी व्हेन द बॉडी इज टेकन इन टू अ डेप्थ into depth d, अगर मैं उसको नीचे ले जा रहा हूँ, तो उस केस में डेल्टा g बाई जी इंटू 100, ये परसेंटेज में है, d बाई आर इंटू 100 होता है ये, राइट? गुड, पर यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, जितना हाइट था अबोव उतना ही डेप्थ है, मतलब d इक्वल टू h बोला है क्वेश्चन में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ h बाई आर इंटू 100, क्योंकि d और h की वैल्यू आपके पास सेम है, इसलिए यू कैन से
D and H are same, right? Very simple thing. अब how do you solve this, right? तो percentage आपको क्या पूछा है, आपको बोला है change in the weight, percentage decrease in the weight कैसे निकालेंगे, फिर इजी है. Therefore percentage change in weight या decrease in weight भी बोल सकते हो क्योंकि decrease ही है यहाँ पे, तो you can say percentage decrease in weight is equal to half 2h by r into 100. अभी half क्यों लिया मैंने, easy है. Half इसलिए लिया, अगर आपका ध्यान होगा d और h सेम था तो h by r into 100 लिखा था परसेंट में, करेक्ट. उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. ऐसा क्यों किया, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2h by r into 100 हमको दिया हुआ है 1%, तो मैं हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. तो ये जो ब्रैकेट है 2h by r into 100 दैट इज एक्चुअली 1%, तो हाफ इंटू 1% दैट इज हाफ परसेंट 0.5%. वापस बता दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, तो डिक्रीज विल बी 0.5% फर्स्ट ऑफ ऑल. सिर्फ आपको पता क्या होना चाहिए, हम बॉडी को जब ऊपर ले जाते हैं तो एक्सीजन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, राइट, कम होता है, लेकिन चेंज कितना होता है गिवन बाय दिस फॉर्मूला. हम जब बॉडी को डेप्थ में ले जाते हैं तो भी कम होता है, एंड गिवन बाय दिस फॉर्मूला परसेंटेज जी चेंज इन जी मतलब डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 डी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100. पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको डी और एच की वैल्यू सेम दी है. हमको क्वेश्चन में बोला है जितना हाइट अबोव था उतना ही डेप्थ बिलो है, मतलब डी की जगह पे एच डाला, लेकिन एच बाई आर इंटू 100 का वैल्यू हमको पता नहीं है. हमको क्या पता है, 2h बाई आर इंटू 100, तो सिर्फ 2 को मैंने एडजस्ट कर लिया. तो 2 को एडजस्ट किया मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो क्या मिल गया मुझे, हाफ 2h बाई आर इंटू 100, ये तो 1% है पता है, तो 1% का हाफ कितना होता है, 0.5% होता है. वेरी सिंपल थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. पीरियडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अबोव अर्थ सरफेस एट हाइट इक्वल टू आर, मतलब h इक्वल टू आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ इज पीरियडिक टाइम. हाउ मच इज टाइम पीरियड ऐसा पूछा है. ऐसा है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर एट हाइट h और इसकी वैल्यू भी r है, एट दिस हाइट इट इज रिवॉल्विंग, उसका टाइम पीरियड कितना होगा. बहुत इजी है ये, आपको सिर्फ टाइम पीरियड का इक्वेशन बताना चाहिए. टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या था, 2π अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gm, और आपको पता है ये स्मॉल r होता है कैपिटल r प्लस h, तो बेसिकली आ गया 2π अंडर रूट ऑफ कैपिटल R प्लस H का क्यूब अपॉन जी एम. तो ये आपको मिल गया T इक्वल टू 2π R, H की जगह पे R डाल दोगे क्योंकि दिया हुआ है हमको, H इक्वल टू R बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो स्मॉल R विल बी R प्लस R क्योंकि H इक्वल टू R है, तो 2R, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे 2R का क्यूब अपॉन जी एम. तो ये आ गया 2π अंडर रूट ऑफ 2 क्यूब इज 8R क्यूब अपॉन जी एम, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, करेक्ट, 2√2 होता है वो, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है. तो फिर आप इसको लिखोगे 2π 2√2 अंडर रूट ऑफ r क्यूब जो है दैट इज आल्सो बेसिकली एडजस्टेबल, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो. ओके राइट, तो यू जस्ट हैव टू एडजस्ट इट. एंड देन नीचे एक चीज भूल गया मैं, समथिंग यस करेंगे वो आखिरी में, आर क्यूब अपॉन जी एम. ओके राइट, तो ये हमको मिल गया आंसर 2 × 4 √2π अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी एम. लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. देखो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच, फिर हमारे क्वेश्चन में एच की वैल्यू आर दी हुई है ये पता होना चाहिए, एच की वैल्यू आर दी है तो स्मॉल आर इज टू आर आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने और जस्ट सिंप्लीफाई किया है. हम सिर्फ सिंप्लीफाई करते गए और हमको मिल गया 4 √2π √r³ बाय जी एम. बट
बट ऑप्शन जी कैपिटल जी एम में है ही नहीं, तो हम लिखेंगे, हमको पता है स्मॉल जी क्या होता है, जी एम बाई आर क्यूब, जी एम बाई आर स्क्वायर, देयरफॉर जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम, करेक्ट, इजी, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, देयरफॉर हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा 4√2π अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगा ये आर स्क्वायर और यहाँ का क्यूब ये कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड मिल गया 4√2π आर बाय जी, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल मैं वापस बता रहा हूँ, आपको टाइम पीरियड का इक्वेशन पता होना चाहिए 2π स्मॉल आर क्यूब बाय जी एम, फिर आपको पता होना चाहिए 2π स्मॉल आर क्यूब इज कैपिटल आर प्लस एच क्यूब, और जी एम हमारे पास आता है जी आर स्क्वायर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का फॉर्मूला से, राइट, पर हमारे पास एच इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो 2π अंडर रूट ऑफ एच इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो आर प्लस आर, 2r का क्यूब, 8r क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ये कैंसिल ये कैंसिल, 8 को स्क्वायर रूट से बाहर ले जाएंगे तो 2√2, और ऑलरेडी 2 बाहर है तो 4√2π, 4√2π अंडर रूट ऑफ आर बाय जी, ये आ गया आपका टाइम पीरियड का इक्वेशन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लैनेट हैज मास 1/10 ऑफ अर्थ, अ प्लैनेट हैज मास 1/10 ऑफ अर्थ, व्हाइल रेडियस इज 1/3 ऑफ अर्थ, व्हाइल रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 1/3 ऑफ अर्थ, राइट, ओके, इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन ऑन अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर, मतलब मैंने एक स्टोन को फेंका ग्राउंड से ऊपर यहाँ तक, तो हाइट ऑन द अर्थ सरफेस इज 90 मीटर, देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन द प्लैनेट टू अ हाइट, तो प्लैनेट पे सेम स्टोन का हाइट कितना होगा ये पूछा है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से आता है, अगर आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में 11th में सीखा होगा मैक्सिमम हाइट एच का इक्वेशन, ये था आपके पास इफ यू रिमेम्बर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, राइट, और उस केस में आप प्रोजेक्टाइल मोशन को एयर में ऐसा एट सम एंगल कुछ एंगल पे थ्रो करते हो, थीटा एंगल पे थ्रो करते हो, जब मैं हमारे इस केस में क्या बोला है, हम लोग डायरेक्टली वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं, यहाँ से सीधा स्टोन ऊपर गया, मतलब एंगल कितना 90 डिग्री, साइन 90 कितना 1, तो हाइट का इक्वेशन क्या बनेगा यू स्क्वायर बाय जी 2g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो 1 आ गया, क्योंकि एंगल 90 बना, थीटा 90 बना, तो आपको ये पता होना चाहिए, हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको हाइट का फॉर्मूला पता है तो आप कैसे कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, जी इज प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है जी मैंने बताया था आपको जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, मतलब जी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर स्क्वायर होता है, जी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर स्क्वायर होता है, वैसे इस इक्वेशन से हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/g, क्योंकि स्पीड तो सेम है ना, स्टोन को फेंकने की स्पीड सेम है, आप अर्थ पे और दूसरे प्लैनेट पे स्टोन को सेम स्पीड के साथ ही ऊपर फेंक रहे हो, क्योंकि स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला, राइट, तो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/g एंड जी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर, मतलब हाइट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई एम। मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ क्योंकि यही तो रिक्वायरमेंट है नीट जैसे एग्जाम्स का कि उनको शॉर्टकट यूज करने पड़ेंगे। तो हाइट ऑन प्लैनेट अपॉन हाइट ऑन अर्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर अपॉन मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, सिंपल सिंपल। तो फिर आप इसको लिखोगे RP अपॉन RE का स्क्वायर और ME अपॉन MP आ जाएगा ये इसमें, राइट, तो आपको RP बाय RE 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 का स्क्वायर, और ME बाय MP आपको 10 दिया हुआ है, तो 10/9 आ जाएगा, राइट, 10/9 आ जाएगा ये, तो हाइट ऑन प्लैनेट अपॉन हाइट ऑन अर्थ इज 10/9, मतलब हाइट ऑन प्लैनेट इज 10/9 टाइम्स ऑफ हाइट ऑन अर्थ, तो 10/9 टाइम्स ऑफ हाइट ऑन अर्थ वाज कितना 90 मीटर हुआ था, 1 जा 10 जा 10 टू 100 जा, तो हाइट ऑन द प्लैनेट ऑफ द सेम स्टोन विल बी 100 मीटर एंड ऑप्शन नंबर सी,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ लिखना क्या था, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से आपको हाइट का इक्वेशन पता होना चाहिए था, यू स्क्वायर बाय टू जी, मतलब हाइट इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय जी, फिर जी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर स्क्वायर, बस ये दो चीजें पता होनी चाहिए थी आपको, एंड देन यू जस्ट गो ऑन सॉल्विंग एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू गेट द करेक्ट आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23, थ्री पार्टिकल्स each of mass 100 gram are brought from a very large distance to the vertices of an equilateral triangle whose side is 20 cm in length, the work done will be, acha question hai, aapko sirf work done ka formula pata hona chahiye, humne teen masses ko 100 gram ke masses ko bahut large distance se matlab infinity distance se laake equilateral triangle ke vertices pe rakh diya, let us say this is mass m1 M2, M3 और ये डिस्टेंस है R, R और R, मतलब आपको पता है कि R 1 2 डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज R, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 इज R, डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3 इज R, पहले दो मासेस में M1 M2 M1 M3 और 2 3 तीनों में जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि अगर ये आप पहले लिख लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाने में आपको बहुत ईजी होगा, आपको बताना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू बाई आर, राइट, जी एम वन एम टू बाई आर, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल अलग चीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है विद नेगेटिव साइन, जी एम वन एम टू बाई आर या फिर जी एम स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे मासेस अलग अलग है और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आर वन आर टू, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट यू शुड नो, मैं बता देता हूँ आपको, हमारे पास पहले तो यहाँ पे एक भी मास नहीं है, अभी मैं पहले मास को इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे रख दिया, नो वर्क इज डन, क्यों, क्योंकि अपोज करने वाला या अट्रैक्ट करने वाला कोई और मास था ही नहीं, वैसे तो ग्रेविटेशन फोर्स का अट्रैक्टिव, अब मैं दूसरे मास को लाके यहाँ पे रख रहा हूँ एम टू, इन दोनों का डिस्टेंस है आर वन टू दैट इज आर, तो ये जो दूसरा मास है इसको वर्क डन करना पड़ेगा, राइट, द वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग दिस हियर फ्रॉम इनफिनिटी, तो दैट वर्क डन इज गिवन बाय जी एम वन एम टू बाय आर वन टू विद नेगेटिव साइन, और ये वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, तो इन शॉर्ट टोटल वर्क डन जब आप लिखते हो, मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हो, दैट इज दिस जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर माइनस जी एम वन एम थ्री बाई आर वन थ्री, आर स्क्वायर नहीं सिर्फ आर, माइनस जी एम टू एम थ्री बाई आर टू थ्री। अब याद कैसे रखेंगे फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला, उसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आप वो ट्रिक याद कर लो और बहुत ईजी हो जाएगा आपका काम, मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक, द ट्रिक इज दिस, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी बाहर रखो, ब्रैकेट में एम एम बाई आर प्लस एम एम बाई आर प्लस एम एम बाई आर, ऐसा लिख लिया, जितने पार्टिकल्स है, जितने ऑब्जेक्ट है, जितने मासेस है, यहाँ पे तीन है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन वन टू वन टू, वन थ्री टू थ्री टू थ्री, हो गया चार होंगे, तो चार वन टू वन थ्री वन फोर टू थ्री टू फोर थ्री फोर, ऐसा जितने भी मासेस होंगे बस उसका कॉम्बिनेशन जनरेट करना होता है, तो ये मिल गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब हमको पता है कि एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम थ्री इक्वल टू एम दैट इज 100 ग्राम्स, 100 ग्राम को आप सीधा सीधा किलोग्राम में लिख लो, 0.1 किलोग्राम, मतलब 10^-1, और डिस्टेंस भी सेम है, वो तो ऑलरेडी मेंशन किया है, इसलिए वर्क डन क्या आएगा आपका,
वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, बहुत सिंपल है, माइनस जी एम वन इंटू एम टू इज एम, मतलब एम स्क्वायर, आर वन आर आर वन टू इज आर, प्लस ये भी एम स्क्वायर बाय आर, प्लस ये भी एम स्क्वायर बाय आर, क्योंकि सब तो सेम ही है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस जी थ्री टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर बाय आर, राइट, करेक्ट। अब और एक शॉर्टकट ट्रिक, आपको मैंने फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो तो एक ट्रिक बता दिया मैंने, और एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका वर्क डन पूछा है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाने के लिए मतलब मासेस को वर्टेक्स पे लाने के लिए कितना वर्क डन किया होगा, डायरेक्टली थ्री टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर बाय आर, खत्म। वी नो द वैल्यूज नाउ, ओके, हमको वैल्यूज पता है, हमको पता है जी की वैल्यू भी हमको पता होती है, राइट, जी की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको बाय द वे, तो 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 होता है, तो माइनस 3 इंटू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मास की वैल्यू 0.1 किलोग्राम, मतलब 10 पावर माइनस 1 किलोग्राम, 10 पावर माइनस 1 किलोग्राम का स्क्वायर अपॉन आर, डिस्टेंस आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर, मीटर में तो आ गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर। बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा रफली रफली, आपको पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ रफली रफली क्या होता है, रफ रफ कैल्कुलेशन बताता हूँ मैं आपको, माइनस 10 पावर माइनस 11 और ये माइनस 2, मतलब 10 पावर माइनस 13, और नीचे का माइनस 1, ऊपर आएगा 10 पावर प्लस 13 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 12, मतलब 10 पावर माइनस 11 माइनस 2 माइनस 13, और नीचे 10 पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 12, 3 इंटू 6.67 डायरेक्टली 20 आता है, ये पता होना चाहिए, अपॉन 2 मतलब ये 10 अलग से, 3 इंटू 6.67 इज 20, ये पता होना चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा 10 पावर माइनस 11 विथ नेगेटिव साइन, तो 10 पावर माइनस 11 विथ नेगेटिव साइन जूल्स, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सिंपल ट्रिक्स है जो आपको पता होने चाहिए, यू शुड नो दिस, इट इज वेरी वेरी सिंपल, ओके। क्वेश्चन 24 तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, गिवन दैट रेडियस ऑफ अर्थ आर एंड लेंथ ऑफ डे टी, द हाइट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज, आपको तो ये टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये हमने फॉर्मूला भी यूज किया था, उसको सिंप्लीफाई करते जाना है और आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा ये, तो आई विल लीव इट एज एन असाइनमेंट फॉर यू, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, कुछ नहीं है इसमें, दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू, ये आपको करना पड़ेगा, राइट, बहुत सिंपल सा चीज है ये, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन बट लिटिल हाई लेवल, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विद अ वेलोसिटी इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स एस्केप वेलोसिटी, तो हमने एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया विद वेलोसिटी 3/4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, और आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 2gm/r, राइट। द हाइट इट रीचेस टू, मतलब कौन सी हाइट h तक ये पहुंचेगा, ऐसा आपका पूछा है। यहाँ पे आप यूज करते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब मैं बोलता हूँ कि ये सरफेस है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, मैक्सिमम हाइट जहां पर पहुंचेगा उसको पॉइंट बी बोल रहा हूं मैं, तो टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट ए इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी इज प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ओके। तो ऐसा है, अब काइनेटिक एनर्जी एट ए इज हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मैं बॉडी को वेलोसिटी दे रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, प्लस आपको पता होना चाहिए अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस जी एम एम अपॉन आर, क्योंकि एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपॉन स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर होता है आपका आर प्लस एच, स्मॉल आर आपका होता है आर प्लस एच, लेकिन h अर्थ के सरफेस पे a पॉइंट पे जीरो होता है क्योंकि हाइट तो है नहीं, तो इसलिए आप लिखते हो अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर।
अब जब वो मैक्सिमम हाइट मतलब पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज जीरो, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, जो मैंने अभी बताया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही है। अब हाफ एम वी, वी तो हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, थ्री बाय फोर अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाय आर, इसका स्क्वायर करेंगे, थ्री बाय फोर का स्क्वायर नाइन बाय सिक्सटीन, टू जी एम बाय आर का रूट का स्क्वायर टू जी एम बाय आर माइनस ये जी एम एम बाय आर इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, टू टू कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका नाइन बाय सिक्सटीन जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। ये जी एम एम दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल है क्योंकि कॉमन निकालो कैंसिल करो, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन माइनस वन, क्योंकि अब आर भी है डेफिनेटली, मैं आर कॉमन निकाल रहा हूँ। जी एम एम चलो लिख ही देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ जस्ट फॉर योर कंफर्ट, इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये हो गया कैंसल, राइट। फिर आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो 9 बाई 16 माइनस 1 इज 9 माइनस 16 मतलब माइनस 7 बाई 16, और ये r को वहां शिफ्ट कर दिया विद नेगेटिव साइन, r अपॉन r प्लस h आ गया, तो इसको सॉल्व करोगे r अपॉन r प्लस h इज इक्वल टू 7 बाई 16, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा, यू शुड गेट आंसर टू बी 9 बाई 7 आर, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, 16 आर इक्वल टू 7 आर प्लस 7 एच, इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा एच टू बी 9 बाई 7 आर। सिर्फ आपको पता क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दैट्स इट। मैं वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था अर्थ की सरफेस पे, हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया विद वेलोसिटी इक्वल टू 3 बाय 4 एसके वेलोसिटी, मतलब पहले एसके वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेट अस से। फिर टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहता है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मतलब अर्थ की सरफेस पे और जो मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा उसका टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट सेम इक्वल, तो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो इक्वेट कर दिया। बी पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है मतलब ऑब्जेक्ट वहां पे जाकर रुक जाएगा, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, बस उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला डाला है और सिंपलीफाई किया है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी आर द फोर मासेस each of mass m lying on the vertices of a square of side a, they always move along a common circle with velocity v, find v so that they always remain on the vertices of the square। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, समझ लेना ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल दिखता है बट इट्स ओके इट इज अ स्क्वायर, और इसके वर्टेक्स पे चार मासेस है, ओके राइट, और ये जो है ये मूव हो रहे हैं विद वेलोसिटी वी अलोंग द सर्कल, मूव हो रहा है सर्कल के डायरेक्ट, सर्कल में मूव हो रहा है मासेस, पर हमेशा स्क्वायर पर रहेंगे, मतलब पूरा का पूरा स्क्वायर मूव होगा, ऐसा बोलने का मतलब है उनका। तो फाइंड द वेलोसिटी वी विथ, वेलोसिटी वी क्या होगा, सो दैट ये चारों के चारों हमेशा स्क्वायर के वर्टेक्स पे रहेंगे, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि नेट फोर्स निकालो, रिजल्टेंट फोर्स निकालो, किसी भी एक पे, किसी भी एक पे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। मैं मान लेता हूँ कि ये जो डी पे फोर्स निकाल रहा हूँ मैं, रिजल्ट देखो अभी डी पे जो मास होगा उस पे फोर्सेस कैसे होंगे, लेट मी जस्ट पुट इट इन दिस वे, B will exert force on A,
gravitational force. B will exert force on C and B will exert force on D. आप D के लिए भी बोल सकते थे, D A पे और C पे और B पे फोर्स एक्सर्ट करा है, आप A के लिए भी बोल सकते थे. मैं सिर्फ जनरल बोल रहा हूँ, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, लेट अस से F1, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, लेट अस से F2, फोर्स ऑन D ड्यू टू B, लेट अस से F3. तो B जो ऑब्जेक्ट है, मतलब B पे जो मास M है, वो A, C और D पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट. तो टोटल नेट फोर्स क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए. रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ टू एफ वन प्लस एफ थ्री. अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों मैंने अंडर रूट ऑफ टू एफ वन लिखा. मैं बताता हूँ, ये सब आता है आपका 11th के बेसिक से. 11 में आपने सीखा होगा वेक्टर्स, और आपको पता होगा कि जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी एक ही है, तो रिजल्टेंट हमेशा डायगोनल में होता है. रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट है एफ आर. किसका रिजल्टेंट है ये, वन और टू का. एफ आर इज रिजल्टेंट ऑफ एफ वन एंड एफ टू. और आपको पता होना चाहिए कि ये रिजल्टेंट हाउ इट इज, ओके. रिजल्टेंट कैसे निकालते आपको पता होना चाहिए. रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इज अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एफ वन एफ टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो एफ आर इज इक्वल टू, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी मास एम था, यहाँ पे भी मास एम था, यहाँ पे भी मास एम है, यहाँ पे भी मास एम है, मतलब F1 और F2 फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है. मैं मान लेता हूँ F है, राइट. F1 एंड F2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है. क्यों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, क्योंकि डिस्टेंस भी तो सेम है. स्क्वायर का साइड A, ये भी A. कभी भी याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस और डिस्टेंस का स्क्वायर. B और A दोनों पे मास सेम, P और C पे मास सेम, डिस्टेंस भी सेम A एंड A, तो फोर्सेस भी सेम हो गए, F1 और F2 सेम हो गए. तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, मैंने F2 की जगह पे F1 डाल दिया, प्लस 2 F1 F1 cos 90, cos 90 कितना जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गई. तो ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ F1 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 F1, राइट. तो नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, सॉरी, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट बी, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि टोटल फोर्स क्या होगा, एफ फोर्स क्या होगा, एफ नेट क्या होगा. फोर्स ड्यू टू वन अंडर रूट ऑफ टू, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एफ वन एंड एफ टू प्लस F3. रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 हमको पता है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ F1 आया प्लस F3, राइट, करेक्ट. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो है, ये मासेस जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, सर्कल पे घूमते रहेंगे. तो इसका मतलब F net is equal to mv square by r. क्यों? Because this, since masses will perform circular motion, masses will perform circular motion, तो mv square by r centripetal force होता है. करेक्ट. लेकिन f net हमारा क्या आया, ऊपर ही लिखा है, f net हमारा क्या आया, under root of 2 times of, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, f net is under root of f1 plus f3, that is equal to mv square by r. Correct? और F1 तो आप निकाल सकते हो ना, मैंने पहले ही बोला F1 is G, M1, M2. F1 क्या था, force between A and B. Mass at A is M, mass at B is M. तो GM by distance is A square. और F3 कैसे निकालोगे, मतलब force between B and D कैसे निकालोगे, G, mass at B is M, mass at D is M upon distance square. Distance मतलब diagonal का, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ए रूट टू, इफ यू नो,
What is the diagonal of a square? You should know Pythagoras theorem. Easy hai ye. This square plus this square. So under root of 2 times of a aata hai wo. A square plus a square 2 a square under root of a. Aur iska bhi square karenge hum distance ka square karte hain. Distance ka square karte hain to 2 a square aayega niche. So that is 2 a square. Right? तो ये आपको पता होना चाहिए ओके okay? ये देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. अ टीचर कैन जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन. बेसिक्स आपको पता होना चाहिए राइट. तो अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ एफ वन क्या है जी एम बाय ए स्क्वायर प्लस एफ थ्री क्या है ये हमने अब भी किया जी एम स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर जी एम स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर. अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना रहेगा आपको जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट टू सी एम स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर व्हाट इज टू रूट टू प्लस हाफ ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और देन यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग बिकॉज मैं यहाँ से जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा रूट टू प्लस हाफ कर दूंगा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा एक एम कैंसिल हो जाएगा ये आर भी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और मुझे चाहिए वी स्क्वायर तो जी आर इंटू एम एक एम बचा वहां पे जी एम आर अपॉन ए स्क्वायर और ये आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वन प्लस टू रूट टू अपॉन टू वी इज अंडर रूट ऑफ दिस तो वी इज अंडर रूट ऑफ ऑल दिस जी एम ओके राइट. अच्छा ये आर एक गड़बड़ हो गई मैं आर बताता हूँ आपको हम आर लिखना बाकी रह गया वो लिखेंगे आर. तो व्हाट इज आर व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल तो रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग. रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए. रेडियस ऑफ सर्कल मतलब हाफ द डायगोनल. ये जो स्क्वायर है मैं रेड में दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर स्क्वायर का डायगोनल मतलब डायामीटर उसका हाफ मतलब रेडियस मतलब इतना पार्ट राइट. और हमको पता है स्क्वायर का डायगोनल होता है स्क्वायर का डायगोनल होता है रूट टू ए उसका हाफ मतलब ए बाय रूट टू ये सब्स्टिट्यूट करो आर की जगह पे ए बाय रूट टू फिर ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया वापस. ये सबको सिंप्लीफाई करना है आपको दैट इज आई एम लिविंग एज एन एक्सरसाइज फॉर यू क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर आता है. मैं वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का है लेकिन क्वेश्चन इज वेरी गुड. हमारे पास एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और हर एक पे मास रखा हुआ है एम 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 और एम. अब ये पूरा का पूरा स्क्वायर जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा क्योंकि चारों मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तब जाके वो चारों मासेस वर्टेक्स पे रहने वाले हैं राइट. तो आपको पूछा है कि कितनी वेलोसिटी के साथ ये मोशन परफॉर्म होना चाहिए सो दैट ऑल दिस फोर मासेस रिमेन एट The vertices of square, right? तो पहले तो निकाल लो किसी भी एक मास पे नेट फोर्स कितना है. तो फ्रॉम डायग्राम मैंने निकाला फोर्स बिटवीन ए बी एफ वन फोर्स बिटवीन बी सी एफ टू फोर्स बिटवीन बी डी एस एफ थ्री बट एफ वन एंड एफ टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड राइट बट दे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एफ वन और एफ टू का जो रिजल्टेंट होगा वो अलॉन्ग डायगोनल होगा अलॉन्ग डायगोनल मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एफ थ्री होगा ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा. इट विल बी इन द डायरेक्शन एफ वन और एफ टू का रिजल्टेंट जो है ये एफ आर इसका डायरेक्शन और एफ थ्री का डायरेक्शन सेम है इसलिए मैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स को एड कर पाया दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. इसलिए ये सब किया हमने क्योंकि ये फोर्सेस जो है ये वैक्टर क्वान्टिटी होती है हम लोगों को वैक्टर के डायरेक्शन देखना होता है. तो फाइनली मुझे मिल गया अंडर रूट ऑफ एफ वन प्लस एफ थ्री और एफ वन मुझे पता है जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है एफ थ्री मुझे पता है जी एम स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर है राइट. और सब्स्टिट्यूट करने के बाद सारे वैल्यूज मुझे मिल गया वी इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए अंडर रूट ऑफ जी एम टू रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू ए. सिंप्लीफाई करो आंसर वही आने वाला है ओके गुड.